यार तुमने जो परेशान कर दिया, 1,10,000 की कह लें कि इंडियन करेंसी में है, 1,10,000 की बाइक देगी उसमें आपको पेट्रोल सीएनजी मिलेगा। ओए क्या बात है यार, हमारे पास तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मीडिया है वो बिल्कुल नाच गाने को प्रमोट कर रहा है, और जो बेसिकली जो कौन बाइक देखे जो सीएनजी पेट्रोल हो यार ऐसी कैसे होता, वो तो मुझे पता है वो है इलेक्ट्रिक बाइक। सीएनजी पेट्रोल तो आई थिंक अभी तक हमने दुनिया में नहीं कभी वो सुना, बाइक देखनी ना देखी वो के यार बहुत वो इंजन सीएनजी और पेट्रोल पे चलती हो? नहीं ऐसी नहीं देखी आपने? नहीं ऐसी कोई बाइक नहीं। कोई ऐसी मुताबिक मुँह में पानी आ रहा है? नहीं ये को खाने वाली थोड़ी है, ये तो टांगों में खुजली हो रही है कि यार इस पे सफर करना खटारा है ना, उसकी तरह की चलाते हैं। हाँ 10 साल से वही चल रही है। कह रहा हूँ कि दुनिया में पहली बाइक है जो आगे से कह लें कि बहुत ज्यादा पहले से जितनी भी बाइकें आ चुकी हैं उनसे ज्यादा अच्छी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा आप? जी मैं LPG गैस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर मुझे बताइए आपने कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी बाइक देखी जो CNG और पेट्रोल पे चलती हो? नहीं ऐसी नहीं देखी आपने? नहीं ऐसी कोई बाइक नहीं। कोई ऐसी मुतारफ जापान ने कराई हो, चाइना ऐसी मुतारफ किया कराई हो बाइक? यार हम जापान में होते नहीं है ना शायद उन्होंने। आप बाइकें चलाते हैं ना जापान की होंडा जो 50 साल जो इंडिया के इंडिया के क्योंकि पाकिस्तान में इतने काबिल लोग नहीं है। हाँ 20 साल से चल रही है, हमारे बाप दादा से। नहीं जब हम बाप दादा से चल रही है। बाप दादा भाई बाप दादा कह रहे हैं। अच्छा आपने बताया सर कोई ऐसी बाइक जो आपने देखी हो जिसपे CNG भी और पेट्रोल भी हो? नहीं ऐसी कोई बाइक नहीं देखी और ना कभी ऐसी कोई बाइक आ सकती है, ऐसी कोई उम्मीद रखी नहीं हुई वैसे हमने कि आ सकती है या आई होगी ऐसा कोई। कोई यार गद्दी को जिसमें 4 बंदे इजीली बैठ जाए यार, आराम सुकून से बैठे हुए चिल बैठे हुए, कोई ऐसी गद्दी को जो बैकअप जब मतलब बाइक पे गद्दी जो थी बैक पे जो आपको लंबी से गद्दी हो आप 4 बंदे इजीली बैठ सके हो कम्फर्टेबल। 70 पे भी बैठ जाते हैं? नहीं नहीं वो तो आप जुड़ जुड़ के बैठते हो ना, मतलब इजीली नहीं नहीं ऐसे नहीं जुड़ के बैठते हो ना भाई आप? हाँ जी जी आप कह रहे हैं कि मतलब इजीली कंफर्टेबल आप हो जाएं। हाँ इतनी लंबी तो हमने नहीं देखी, इतनी लंबी अगर मैं आपको लंबी दिखा दूं। अच्छी बात है। अगर आपको दिखा दूं ले सर आपको एक बाइक दिखाने जा रहे हैं, ये बाइक आपको ये लेके गद्दी देख रहे ये सबसे बड़ी गद्दी है ठीक है, और आप में आपको एक और चीज दिखाने जा रहा है यही बाइक है जिसमें आपको पेट्रोल और CNG मिलेगी। ये वर्ल्ड की पहली बाइक लॉन्च हो चुकी है। ये कहाँ पे हुई है आपने ये बताना, कहाँ पे लॉन्च आप दोनों बताना है। तो इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही नजर आ रहे हैं पीछे। नहीं इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया या पाकिस्तान के बताएं? ये इंडिया के, इंडिया के ही है, इंडिया के क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इतने काबिल लोग नहीं है, इतने काबिल तो है नहीं कि कुछ ऐसा बना ले, क्योंकि पिछले 75-80 साल से वो हमें वही पुरानी 70 दे रहे हैं, सिर्फ 2 साल बाद जो है ना उन्होंने ये करते हैं कि स्टिकर चेंज कर देते हैं, बस बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और बस आवाम जो है ना लगी जा रही है और रेट उनका जो है ना ऊपर चढ़ी जा, एक स्टिकर चेंज कर देते हैं और बस चलो जी आवाम स्टिकर देखे। ये बाइक का डिज़ाइन देख लें आपको, हर दफा अपना डिज़ाइन भी चेंज करते हैं सर। ये इंडिया ने अपनी फर्स्ट बाइक बना जो अभी तक जापान चाइना नहीं लॉन्च की, इंडिया ने पहली बाइक लॉन्च कर दुनिया के अंदर जिसने आपको पेट्रोल CNG मिलेगा, जो गद्दी में आपको जो गद्दी ये देखें गद्दी में आप 4 बंदे इजीली बैठ सकते हैं सर। इंडिया ने ये अचीवमेंट कर क्या कहेंगे सर, वर्ल्ड की पहली बाइक उन्होंने बना दी है सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की है। पहली ये वर्ल्ड की पहली बाइक अभी तक किसी ने जापान ने की है बाइकें लॉन्च, मगर जापान अभी तक ये बाइक लॉन्च इतनी टेक्नोलॉजी हैवी नहीं कर सकते और बाइक ऐसी लॉन्च नहीं कर पाया सर। आपने अगर चांद पे भेजा है वो चंद्रयान तो भेजा था, चंद्रयान आप उन्होंने भेजा है ना, हमने भेजा है तो हम चाइना G6 के साथ गए हैं, उन्होंने भी वो हम अचानक हाँ ये हमने मई में भेजा है ना चाइना वालों ने, तो हम उनके साथ गए हैं और वो हमारा था अभी 2 महीने का, तो उन्होंने चंद्रयान भेजा है 3 और अब चौथे की ट्राई में है, तो उनकी डिस्कवरी के साथ आप नहीं मिल सकते। नहीं आप क्या कहेंगे सर, पहली बाइक भी लॉन्च कर दी अभी तक जापान चाइना लॉन्च करता है कहते बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, मगर उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं की और पहली बाइक बन गया दुनिया जी जो CNG पेट्रोल जो आज लॉन्च हुई है, ये इंडिया में आज लॉन्च हुई है, बाइक तो बहुत अच्छी है ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, रेट इसका मुझे आप बता दें कि इसका रेट वैसे कितना है? 125 cc है भाई, ये होंडा का 125 है ना, ये भी 125 cc है, ये आप उनके बजाज ग्रुप है उन्होंने लिखा है बजाज फ्रीडम 125 लिखा हुआ है बजाज सर। क्या प्राइस उन्होंने मैक्सिमम करी आप बताए, थोड़ा अंदाजा बताया क्या प्राइस होगी उनकी इंडियन प्राइस में? हाँ इंडियन प्राइस में क्या होगी? कोई 1,00,000 तक होगी? 1,00,000 थोड़ा बढ़ा ले 2,00,000 कर ले आप बताएं जी। अगर ये वैसे पाकिस्तान में हो ये तो आप 6,00,000 5,00,000 इतने में मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि ब्लैक में मिलेगी ब्लैक ठीक है,
कोई अपना रेट करेगा, कोई अपना रेट करेगा, कोई भी जो है ना मतलब चीज़ नहीं मिलेगी, बहुत गवर्नमेंट के रेट से तो हमें मिलनी नहीं है। तो अगर ये पाकिस्तान में हुई तो ये 5-6 लाख की मिलेगी। अच्छा, इंडियन बताए कितने की मिलेगी? इंडियन रुपीज़ में अगर आप कहें तो इंडियन रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम को 2-2.5 लाख में जो है ना। चले सर, मैं बता देता हूँ, ये हम थोड़ी वीडियो लंबी नहीं करते, इतनी न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक्स है, उसको मैं आपको LED आपको लाइट्स भी मिलेगी, फिर आपको डिजिटल, आपको मीटर भी मिलेगा, आपको हर चीज़ प्रोवाइड। सर आप सिर्फ दो पहिए हैं, 4 पहिए नहीं, बाकी हर चीज़ आपको बाइक के अंदर मिलेगी। कैसी बात है, CNG मिल गया आपको, डिजिटल आपको वो मतलब डिजिटल आपको मिल गया, वो मीटर भी मिल गया, आपको हर चीज़ नज़र आएगी, नेविगेशन चीज पेट्रोल की तक आपको जो गेज नज़र आएगी उसके अंदर। फिर हम बात करें डिजिटल, आपको जो LED आपको लाइट भी मिलेगी। सर इनके 3 वेरियंट उन्होंने लॉन्च किया है, पहले वेरियंट की मैं बात करूँगा, जो लो वेरियंट है वो 95,000 का लॉन्च किया है। कैसा लगा सर 95,000 का पहला वेरियंट? मेरा तो गैस यही था, आपने कहा था बढ़ाएं, मैं बढ़ाता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी प्राइस है वैसे। ये यही चीज़ें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जो कुछ हमारे लिए हो, कुछ इन चीज़ों के लिए जो है ना आवाम के लिए कुछ फ़ायदा हो। इंडिया देखें अपने आवाम के लिए क्या क्या कर रही है। सर ये जो मैंने आपको वेरियंट दिया, ये इसमें एक इन्होंने वेरियंट लगाया 1,05,000 का, और ये इन्होंने लास्ट वेरियंट बनाया जो मैंने वीडियो दिखाई है 1,10,000 रुपये की। सर बाइक लॉन्च हो गई है और इंडिया के नमसाया मुल्क ने आपके 1,10,000 की बाइक दी है, उसमें आपको पेट्रोल CNG मिलेगा। ओए क्या बात है यार, हमारे पास तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, हम तो बस वही पुरानी। क्या कहेंगे सर यार, ये वैसे इम्पॉसिबल बात है, बहुत मतलब कि मानने वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं तो हम मान गए। मैं बता रहा हूं, वीडियो भी दिखाई है मैंने, आप नेट पे भी सर्च कर लो। मैंने अभी देखा नहीं, आपने बताया, इंशाल्लाह देखेंगे कि सर आपने वहां पे जब लिखना बजाज फ्रीडम 125 बस, बाकी सारा कुछ वो आ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है वैसे, ये उसकी तारीफ के, अब मैं इसकी क्या तारीफ करूँ, तारीफ की बहुत चीज़ है ये, इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। बहरहाल आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है लगा। सर क्या करते हैं आप? मैं CA का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह CA का स्टूडेंट, आप इधर आए, वो आपके साथ दोस्त भी आ गए हैं। आप मुझे दोनों बताओ, दुनिया कोई ऐसी बाइक आपने देखी हो जिसपे CNG और पेट्रोल हो? CNG पेट्रोल दोनों चल रहा हो, अभी तक तो नहीं देखी, आज तक नहीं सुना। अच्छा, अगर मैं आपको एक बाइक अच्छा मुझे एक वो बाइक बताओ जिसमें गद्दी और 4 बंदे इजीली बैठ जाए, वो नहीं है कुछ के बैठने वाला सीन है जैसा पाकिस्तान में वाम कुछ के बैठे, आधे बंदे टेकी के ऊपर होते हैं, पीछे बाकी 4 बंदे होते हैं, कोई ऐसी मुलायम जो हो गया आपकी सीट जिसमें 4-5 बंदे इजीली बैठ सकते हो? कुछ मूवीज में देखा था वो, जो साथ में उसके गोलमाल मूवी में देखा था, लाइक दैट। इसके अलावा कोई नहीं, बस साइड पे वो ट्रॉली लगा लेते हैं वही। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिएगा। सर ये ना दुनिया की पहली बाइक लॉन्च हुई है, मुझे बताने किसने लॉन्च की होगी? ये दुनिया की पहली बाइक है जिसमें ये देखें, ये गद्दी देखें आप, और इसका ये वो बाइक है जिसमें आपको पेट्रोल भी मिलेगा और CNG मिलेगी, यानी कि बहुत न्यू बाइक लॉन्च हुई है, आज लॉन्च हुई है बाइक। अच्छा, और ये देखें आप, इसके टैंकी के डिज़ाइन देख लें और ये गद्दी देखें आप। सही, कितने तक लग रही है बाइक? ये होगी राउंड अबाउट कोई 2-2.5 के राउंड अबाउट होगी, 2-2.5 लाख। पाकिस्तानी कह रहे हैं जी, पाकिस्तान में कौन सी बाइक है जो CNG पेट्रोल हो तो 2-2.5 लाख की हो? नहीं, आप इंजन और उन चीज़ों के हिसाब से 125 सीसी है तो 125 है तो चलें 5 लाख कह लें। वो आपके दोस्त पीछे कह रहे 5 लाख रुपये, हाँ बस देन आप कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं सर, ये बाइक मैंने आपको, बाइक कैसी लगी आपको? सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। प्यारी है। कहाँ की मैन्युफैक्चर लग रही है? ये तो जापान टाइप। जापान ने नहीं लॉन्च, ये जापान ने अभी तक ऐसी बाइक लॉन्च नहीं की ना, जापान की है। आप मुझे बताएं कौन सी कंट्री की लग रही है आप? जापान ने नहीं लॉन्च की ना, चाइना ने लॉन्च की है। ये वो कंट्री है जो डेवलपमेंट हो रही है, जो डेवलप कर रही है अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को डेवलप कर रही है। फिर साफ सी बात है पाकिस्तान ने में ही बनी होगी, पाकिस्तान डेवलप कर रहा है अपनी, होप सो। कौन सी है मुझे बता दे, कोई अपनी मैन्युफैक्चर की हो आप बता दे कोई एक नाम। अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स बनी है पाकिस्तान में, वो मतलब एक न्यू चीज में ही है। नहीं मैं वो CNG पेट्रोल की, वो तो मुझे पता है वो है इलेक्ट्रिक बाइक। CNG पेट्रोल तो आई थिंक अभी तक हमने दुनिया में नहीं कभी वो सुना, बाइक देखनी ना देखी वही के यार बहुत वो शॉकिंग आप हो गया कि आपको एक बाइक मिले उसमें CNG पेट्रोल हो, जब CNG खत्म वोट लो आई, जब पेट्रोल खत्म वोट लो आ लिया, दोनों चीज़ें आपको वेरियंट में जैसा गाड़ियों में होते हैं आपके। ऐसा ही है बिल्कुल। कौन सी कंट्री में हो, कौन सी कंट्री लग रही है ये?
जो बाइक बनाई है जिसने, कौन सी कंट्री लग रही है आपको अभी तक? तो कोई तो डेवलपिंग, अगर जैसे आप डेवलपिंग कह रहे हैं कि अभी वो कंट्री भी डेवलप हो रही है और वो बाकी सब कुछ दें, तो वही इसके वाली बात आई थी, पाकिस्तान के ऊपर ही आती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नहीं है। मैं आपको चले बता गैसेज कार्ड आपका, यार आपके हमसाया मुल्क है जो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत आगे है, हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं, कौन सी अगर आप स्टूडेंट आपको पता होगा ऑटो इंडस्ट्री में कौन आगे जा रहा है? फिर मलेशिया हो सकता है। मलेशिया आप? आई थिंक सो। ऑटो इंडस्ट्री में कौन सी कंट्री सिस्टम आगे जा रही है, हर सेक्टर में हब है वो एक चीज़ का, ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल्स में आ गया है, ऑटो इंडस्ट्रीज में आ गया है, हर चीज़ में आ गया है, कौन सी कंट्री है? चाइना। अच्छा, इसके अलावा? चाइना के अलावा जापान, कोई और? इंडिया जो बेस्ट। आपको पीछे भाई ने बताया, इधर आ जाए आप भी, आप आए थोड़ी मिनट के लिए, ये ले जी, ये भाई ने, ये इनके दोस्त ही हैं, तो इन्होंने बताया इंडिया। आपने क्यों इंडिया, कैसे आपने पढ़ा ऑटो इंडस्ट्री इंडिया में बहुत आगे, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, अब टेस्ला के उनका अपना एक खुल गया उधर, एलन मस्क ने एक प्रोजेक्ट। आपको काफी नॉलेज है, क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ। आप? मैं भी सीए कर। ये बंदे को ज्यादा हर चीज़ का, ये अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे भाई। वो भाई ज्यादा अच्छे हैं दोनों। अच्छा, तो वो चले वो होता है ना, कोई किसी को माइंड सेट नहीं होता। अच्छा, ये बाइक मुझे बताएं पाकिस्तान कब तक अपनी मैन्युफैक्चर करेगा? पाकिस्तान जब सीए का लुक तब हो जाएगी, जब तक ये इकोनॉमी इनके हाथ में, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, वो तो आप कहते हैं खुद। हाँ, वो छोड़ दो, वो भी हमारी मुँह में पता है। पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी का पता है आपको? दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया की जी। आपने बताया वो आईटी सेक्टर में आ गया है, हम बार बार अमेजोन वहाँ पे हेड ऑफिस, अगर बात करें यूट्यूब का हेड ऑफिस उधर है, फेसबुक का हेड ऑफिस उधर है, उधर आपको दुनिया की हर चीज़ की आपके हेड ऑफिस है, टेस्ला भी उधर चला गया, क्या कहेंगे वो कितने आगे चले गए? नहीं, अगर तरक्की की बात करें तो देन आपको मानना पड़ेगा उनको कि यार वो वाकई, तो उन्होंने कैसे डेवलप, मेहनत की है उनके स्टूडेंट्स ने, मेहनत की है स्टूडेंट से ज़्यादा जो ऊपर वाले होते हैं ना, उनका रोल ज़्यादा होता है। स्टूडेंट ऐसी सी बात नहीं है कि हमारे मेहनत नहीं कर रहे होते, हमारे इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कदर नहीं ना की जाती इन चीज़ों, देन मेहनत तो कर रहे होते हैं। आप ये देख लें कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके भी तो कमालात करते हैं। यार आपने पता है एक वो आपको पता है डॉक्टर जो है 21 मेडल उसने लिए थे, याद है जब वो पावा शावा बड़े मशहूर हुए थे, 21 मेडल दिए थे, अभी तक फाइबर पे मिलते कर रहे लोगों से कि मैं पढ़ाऊँ भाई मैंने डॉक्टरी, 21 मेडल लिए हैं, कोई कदर नहीं है उसकी पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसा, क्या कहोगे आप कोई 21 बंदे की, 21 मेडल वाले बंदे की कदर ही नहीं है, जो डांस कर रहा है उसकी कदर है। वो तो इसने एक टिकटॉक डांस कोई वायरल कर दिया, कोई एक किस्म का लगाया वो वायरल हो, वो एक दिन में दो धड़की नहीं लग रहे आपको पाकिस्तान उनके और के काम जॉब वगैरह मिलती नहीं और क्या करें। चलो यार, चलो अच्छा यार मुझे बताओ कितने की होगी इंडियन, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो हमसे तो वो 3 times वो है ना, तो कितने की होगी? ठीक है, आप अगर इंडियन में जाते हैं तो वो लोग वाकई चीप बनाते हैं हर चीज़ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ना, तो उधर के तो ऑलमोस्ट ये 1 lakh के राउंड अबाउट ही होगी, 1 to 1.25 के। आप क्या कहेंगे कितने तक होगी? इन्होंने 1 lakh बोल दिया। इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी, क्या वो कह रहे हैं इंडिया में 1 lakh की होगी बाइक? बाइक बाइक 1 lakh से कम हो गया आई थिंक। चले वो आप अंदाजा लगा रहे ना, आप ऑलमोस्ट 1.5 to 2 lakh। ये यार मैं बता देता हूँ, आप तीनों ने अच्छा बोला है, और यार ये इनके 3 variants लॉन्च हुए हैं, ठीक है, ये आज लॉन्च हुई है बाइक, 5 June 2024 में लॉन्च होने वाली बाइक है, और जिसमें जो आपको हर चीज़ फीचर मिले, LED आपको लाइट मिलेगी, फिर आप हाँ LED लाइट मिलेगी, फिर आपको आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी बाइक के अंदर, दुनिया की हर चीज़ मिलेगी जो बगाड़ी के अंदर होती है वो आपको चीज़ें मिलेंगी। और सर उन्होंने अपनी वाहन को 3 variants लॉन्च किए हैं, सबसे लो वेरियंट उनका 95,000 का है, 125 cc, फिर दूसरा वेरियंट उनका हाँ 150 का कह रहा था, 60 to 70 होगा, 70 cc। इंजन गैस, इंजन जो है ना वो गैस एंड ऑयल दोनों पे चलता, दोनों पे चलेगा, ठीक है। कैसा लगा सर, 95,000 की 1 variant है, 105,000 का 1 variant है, जो मैंने आपको दिखाया 110,000 का, साफ जाहिर है। कैसी बाइक लगी है? वेल 125 गुड। आप जी वो उसके लिहाज से तो अगर उनकी अपनी मैन्युफैक्चर्ड है, अपनी बजाज उनका ग्रुप, बजाज ग्रुप है, ठीक है, देन तो वो 125 सही है ना, बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि उनकी अपनी इकॉनमी भी इससे ग्रो करेगी और सब कुछ। आप सबसे अच्छा ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा एक क्वेश्चन का आपने पूछा था कि पाकिस्तान में कब बनेगी, पाकिस्तान में उस टाइम तक नहीं बनेगी जब तक यहाँ के हुक्मरान जो है वो
स्टूडेंट्स को मौके नहीं फराहम करेंगे। ओके, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमारे एक नौजवान ने पानी से चलने वाला वो जहाज़ वगैरह और आज तक नजर बनाई थी, आज तक वो आप जहाज से जहाज आपको वो बंदा भी नहीं मिला, बंदा नहीं मिला, गायब मिला, बंदा गायब हो गया, उसकी कानों कान कोई खबर नहीं है। ठीक है, मीडिया हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल नाच गाने को प्रमोट कर रहा है, और जो बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चों में और जो स्किल्स हैं उसको शो नहीं कर रहा, यही। ओके, जी अलहमद, क्या करते हैं? फारिग। अच्छा, मैं बाइक का कितना शौक है? यार बाइक का तो सबको शौक होता है, बाइक ही तो एक रह गया, गाड़ी तो ले नहीं सकते, बाइक तो ले। बाइक अच्छा, का तो बाइक को आपने देखे हो वर्ल्ड में कोई ऐसी बाइक देखी हो जो सीएनजी पेट्रोल हो? यार ऐसी कैसे हो सकती है बाइक सीएनजी पेट्रोल, पेट्रोल में तो होती है, सीएनजी पे बाइक कैसे हो सकती है यार? नहीं हो सकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुमकिन है यार। जापान ने भी कोई ऐसी बाइक नहीं निकाली, कोई लॉन्च की हो? शायद जापान में, अभी तक नहीं निकाली मैंने। तो पाकिस्तान के अंदर कोई बाइक देखी है ऐसी? यार आप मजाक ही करोगे, सीरियस हो जाओ, पाकिस्तान में कहाँ पे आ गई यार। मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, आप मुझे बताना ये कितने की और क्या प्राइस होगी। आपको सी एन जी नहीं, वर्ल्ड में पहली बाइक जो लॉन्च हुई है 125 फ्रीडम ये, और ये जो बाइक है इसमें आपको सी एन जी भी मिलेगी, इस बाइक में आपको पेट्रोल भी मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ऑप्शन दोनों का है। दोनों का, ये वर्ल्ड में पहली ऐसी बाइक है, और वर्ल्ड में पहली ऐसी बाइक जिसकी सीट सबसे बड़ी है। यार ये बहुत खूबसूरत है और सीट बहुत प्यारी सीट देखे सर आप, आउट कितनी क्लास है यार। सीट है कोई बाइकों की आपने देखी? नहीं बिल्कुल नहीं यार, में पहली आगे पहली बाइक ऐसी लॉन्च हुई जिसकी सीट बढ़िया। कह रहा हूँ कि दुनिया में पहली बाइक है जो आगे से कह लें कि बहुत ज्यादा, पहले से जितनी भी बाइकें आ चुकी हैं उनसे ज्यादा अच्छी ये बाइक है, और सीट्स वगैरह और ब्रेक भी कह लें कि वो भी डिस्क ब्रेक है यार। ये आउट क्लास है, बहुत प्यारी, और ये देखे डिजाइन देखे, हाँ बहुत प्यारा लोगो। कैसी लगी है यार बाइक? यार बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगी। मुंह में पानी आ रहा है? नहीं ये को खाने वाली थोड़ी है, ये तो टांगों में खुजली हो रही है कि यार इस पे सफर करना चाहिए। अच्छा हाँ। आपके पास कौन सी है? यार मेरे पास होंडा 125। आप तो कह रहे थे मेरे पास थक्कर साइकिल है। नहीं यार वो साइकिल बेच दिया, अब होंडा 125 है। अच्छा 125 है जी, तो आपने कितने की ली थी 125? यार मैंने तो 19 मॉडल लिया है, 1-10 की। 19 मॉडल 1-10 की? तो अगर आपको एक बाइक ही न्यू मिल जाए इसी रेंज में, हाँ पाकिस्तान में कोई है 1-10 की न्यू बाइक? नहीं यार मुश्किल है, नहीं कोई भी नहीं है, ये चाइना की हो सकती है, बाकी तो नहीं, ना 70 है ना होंडा है ना कोई, चाइना की हो सकती है। सर मैं आपको थोड़ी सी खूबियाँ बता दूँ फिर हम अपनी आगे वीडियो में बताएं। ये वर्ल्ड की पहली बाइक है जो जिसमें पेट्रोल और सीएनजी, वर्ल्ड की पहली बाइक है जिसकी सीट बड़ी है, आप सीट आपने देख ली होगी। अच्छा सर मुझे बताइए कितने की बाइक लग रही है, आपको किस मुल्क ने लॉन्च की होगी, अपनी मैन्युफैक्चरर की? यार ये कीमत का तो आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लगा ले कीमत का, कुछ बता दे अंदाजन लगा दे। 4-5 लाख तो प्लस होगी, और यूरोप की होगी मुझे तो जहाँ तक, यूरोप कंट्री। पाकिस्तान भी बनाएगा कि नहीं, कि पाकिस्तान ऐसे अपने हमसायों की या यूरोप कंट्री की बाइक देख देख खुश होंगे? कभी अपनी भी बनानी है, कभी टाइम आएगा अपना बनाने का? यार पाकिस्तान असल वो वेस्ट नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इस चीज़ पे ध्यान, बिजी बहुत ज़्यादा हो गए, बिजी हो गए हैं पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो सियासतदान वगैरह हैं जो भी हैं वो सारे इस टाइम खुद मसरूफ़ हैं, वो इन चीज़ों पे क्यों ध्यान देंगे, उनका दिमाग ख़राब है कि वो पाकिस्तान पे ध्यान दें? अगर वो पाकिस्तान पे ध्यान देते या इन चीज़ों का सोचते तो आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता, आप भी कोई पाकिस्तान की कोई चीज़ आप बता रही होते, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे लगता है साइकिल तक उन्होंने फुर्सत नहीं की कि हमें साइकिल भी एक बना लें, हमारे मुल्क की होनी चाहिए। यार ये कौन से मुल्क की होगी, अब आपने बोला जैसे अगर ये पाकिस्तान में होगी कितने की होगी ये बाइक? यार मुझे तो लग रहा है अगर पाकिस्तान में कह लें तो 5 लाख प्लस की मुझे तो लग रही है। ये 125 सीसी है पाकिस्तान में, जो 125 सीसी सीएनजी पेट्रोल ही आपको 125 सीसी 2.5 लाख 3 लाख रुपए की मिल रही है। अगर आपको पेट्रोल और सीएनजी मिल जाए, बड़ी सीट मिल जाए आपको, तो आप 5-6 लाख रुपए की आपको करेंगे? यार 5-6 लाख रुपए की बाइक होनी चाहिए यार, कुछ असल इसका आइडिया नहीं है इसका, इसलिए मैं थोड़ा सा रफ ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे को कंफर्म इतना आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में ये 70 और होंडा 125 वगैरह हैं वो 2-2.5-3 लाख तक आ रहे हैं, उसी हिसाब से कह रहा हूँ ये जितनी खूबसूरत और है, लेकिन 5 लाख तो मुझे प्लस की लग रही है आगे। और दूसरे नंबर पर आपने कहा है कि ये कहाँ की है, ये एशिया की तो किसी कंट्री की नहीं लग रही, लेकिन यूरोप की लग रही है। सर एशिया की कंट्री की आपकी लैंड, यूरोप को आप छोड़ दें, अब एशिया में हमारे एशियन में हमारे बहुत एशियन जो है ना इस टाइम ये काम कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्रीज में,
लेकिन ये बात कर लें, आपने कहा कि ये एशिया की शोर है, आप कर सकते हैं प्रूव के ये एशिया में? मैं प्रूव करके मैं आपको बकायदा वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। एशिया में किस कंट्री की हो सकती है यार, कुछ समय से बैठ जापान चाइना, तो आपको पता भी है अभी तक उन्होंने बाइक बनाई नहीं, कौन सी बना सकता और बाइक ऑटो इंडस्ट्री में यार? इंडिया की तो नहीं, आपने हस्के, आपने हस्के को बोला, आपने भारत का, अपने हमसाया मुल्क हस्के को बोला आपने यार। वैसे भी हम हमारा कह ले कि हमसाया भी और हमसे ये एक अलग हुआ है, वो कोई इतनी नहीं है। मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था उसका नाम क्या था? पाक भारत। पाक भारत बिल्कुल। अब भारत अब वो लैदा हो गया, हमारा यहाँ पाक पाकिस्तान बन गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके डेफिनेटली आपके आपका हमसाया मुल्क नहीं बनाई है, बजाज ब्रांड है, बजाज का बजाज फ्रीडम 125 न्यू लॉन्च किया है। सर ये मुझे बजाज वालों की बाइक कैसी लगी है? इंडिया के बजाज ग्रुप है उन्होंने बनाई है बाइक। यार ये बहुत प्यारी लगी है और वर्ल्ड में पहली वो बाइक बनाई, पहले ना जापान ने बनाई ना चाइना, वर्ल्ड की पहली बाइक जिसने बनाई है। यार बहुत प्यारी लगी और मैं बजाज ग्रुप को यही कहना चाह रहा हूँ यार, इस तरह की बाइक यार पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया करें तो हम भी हो सकता है ले सकते हैं। जब हमारी अच्छे ताल्लुकात होंगे तो फिर शायद कर देंगे। यार ताल्लुकात अच्छे हैं क्योंकि वाम के हैं आप, सियासतदानों का एक अलग होता है लेकिन वाम के हैं, वाम के आप जितने जिसे भी पूछ लेंगे किसी को कोई इशू नहीं है इंडिया के साथ या किसी भी तरह का नहीं है, हमें किसी तरह का नहीं, लेकिन वो सियासतदानों को एक अपनी दुकानदारी के चक्रों में थोड़ा सा उन्होंने करना पड़ता है कि यार ये होगा वो होगा, वाम की दुकानदारी और यहां की दुकानदारी ठप हो जाएगी। हां उस वजह से, तो बाकी वाम तो वाम एक ही है, वाम तो सेम सेम। आपने बोला 5-6 लाख रुपए की है, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, ये उन्होंने अपनी हमसाया मुल्क के लिए इंडिया ने अपने मुल्क के लिए 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। अच्छा एक पहले वेरिएंट की बात करें 94,000 है लो स्टैंडर्ड, उससे थोड़ा बाबा 1,05,000, 1,10,000 रुपये की, जो मैंने वीडियो दिखाई वो 1,10,000 की है। कितने की? 1,10,000 जो परेशान कर दी, 1,10,000 की कह लें कि इंडियन करेंसी में, ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत सस्ती है। CNG पेट्रोल, CNG पेट्रोल सर, CNG पेट्रोल में इतनी बड़ी गद्दी, सारे वर्ल्ड की पहली वर्ल्ड गद्दी बनाने यार, ये तो मुझे वाकया तुमने परेशान कर दिया, क्योंकि 1,10,000 में मैं 19 मॉडल जो के बहुत पुरानी खस्ता हालत में ले चुका हूँ, अगर इस तरह की जितनी लग्जरी आप बता रहे हैं और इतनी खूबसूरत बाइक जो बता रहे हैं, यकीन कर लें कि मैं फौरन जाके भी हॉस्टल में जाते भी मैंने ये गूगल करके देखना है कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत। आप ही मुझे आगे बता दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट करके जरूर